हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। दोस्तों, अगर आप भी अपनी वेबसाइट या ब्लॉग से ऑनलाइन अर्निंग करना चाहते हो तो आपके लिए जो सबसे बेस्ट ऑप्शन है वो एडसेंस है। इस वीडियो में मैं आपको एक ऐसी इंपॉर्टेंट टिप के बारे में बताने वाला हूँ जिसे अगर आप फॉलो करते हो तो आपको 100% एडसेंस का अप्रूवल मिल जाएगा। तो इसके लिए आप इस वीडियो को बिना स्किप किए शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा। यूनिक आर्टिकल दोस्तों, अगर आप एडसेंस का अप्रूवल लेकर के अर्निंग करना चाहते हो अपने ब्लॉग या वेबसाइट से, तो आपके वेबसाइट या ब्लॉग पर जो भी पोस्ट हो या आर्टिकल्स हो वो दोस्तों यूनिक होने चाहिए। जो भी कंटेंट होगा वो यूनिक होगा तो आपको बहुत ही आसानी से एडसेंस का अप्रूवल मिल जाएगा और आप भी अपनी वेबसाइट से ऑनलाइन अर्निंग कर पाओगे। सो आज मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह से आप प्लेगरिज्म कंटेंट को किस तरह से यूनिक आर्टिकल में कन्वर्ट कर सकते हो और बहुत ही आसान तरीके से किस तरह से एडसेंस का अप्रूवल ले सकते हो। पूरा मैं इस वीडियो में मैं आपको पूरा एक्सप्लेन करूंगा, तो वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा। बिगिनर हो तो आपके लिए ये वीडियो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। दोस्तों, चलिए आज के हमारे इस वीडियो को शुरू करते हैं। इससे पहले दोस्तों, हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर दीजिएगा, साथ में बेल नोटिफिकेशन को प्रेस कर दीजिएगा जिससे आपको आगे आने वाली हर लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। अगर वीडियो पसंद आए लाइक जरूर से कर दीजिएगा। चलिए अभी जान लेते हैं कि किस तरह से आप प्लेगरिज्म कंटेंट को किस तरह से यूनिक आर्टिकल में कन्वर्ट कर सकते हो, यूनिक कंटेंट में किस तरह से कन्वर्ट किया जाता है। दोस्तों, प्लेगरिज्म वह कंटेंट होता है जिसे दोस्तों आप कॉपी पेस्ट करते हो किसी अदर ब्लॉग से और फिर अगर आप एडसेंस का अप्रूवल लेना चाहते हो तो आपको नहीं मिलेगा। अगर दोस्तों उसी कंटेंट को किस तरह से आप अगर यूनिक कर लेते हो तो आपको बहुत ही आसान तरीके से एडसेंस का अप्रूवल मिल जाएगा। दोस्तों, मैंने वीडियो बना दिया था कि किस तरह से आप यूनिक आर्टिकल्स को लिख सकते हो विद वन क्लिक, तो वीडियो का दोस्तों लिंक मेरे आई बटन और डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, उसे भी आप जरूर से चेकआउट कर लीजिएगा। सो अभी जो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे, सबसे पहले करना क्या होगा, जो भी आपकी वेबसाइट हो, वर्डप्रेस पर हो चाहे दोस्तों ब्लॉग पर, को फॉलो करते रहना है। सो आज की इस वीडियो में जो हम प्लगइन यूज करने वाले हैं हमारे वर्डप्रेस में, वो दोस्तों वर्डप्रेस का ऑटो स्पिनर आर्टिकल को रीराइट। दोस्तों, आप इस प्लगइन की मदद से अपना कंटेंट पूरा 100% यूनिक बना सकते हो और अपनी सर्च रैंकिंग को बढ़ा सकते हो। सो मैं आपको वीडियो के अंत में बता दूंगा कि किस तरह से आप इस प्लगइन को डाउनलोड कर सकते हो बहुत आसानी से और किस तरह से यूज कर सकते हो। सो चलिए, जैसे आप इसे डाउनलोड कर लेते हो सो आपको कुछ इस तरह की जिप फाइल मिल जाएगी। सो अभी आपको इसे अपलोड करना होगा अपनी वर्डप्रेस की वेबसाइट पर। सो अभी आपको अपलोड करने के लिए अभी आपको अपलोड प्लगइन वाले बटन पर क्लिक कर देना है। आप अपलोड प्लगइन वाले बटन पर क्लिक करोगे, आपको चूज फाइल वाले बटन पर क्लिक करना है। इस प्लगइन को आपको अपलोड कर देना है, ओपन करना है, इंस्टॉल नाउ करना है और इसे एक्टिवेट कर लेना है। जैसे आप इसे एक्टिवेट कर लेते हो, आपको लेफ्ट हैंड कॉर्नर में आपको WP ऑटो स्पिनर का ऑप्शन मिलेगा, वहां पर आपको सेटिंग्स वाले ऑप्शन के बटन पर क्लिक करना है। आपको यहां पर देखने को मिल जाएगा, सेटिंग्स में आने के बाद में आपको सबसे पहले नीचे स्क्रॉल करना है और जो भी इंपॉर्टेंट सेटिंग्स होगी इस वीडियो में मैं आपको पूरा बताऊंगा कि किस तरह से आप कंटेंट को यूनिक कंटेंट में बदल सकते हो। और दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको किस तरह से फ्री होस्टिंग ले सकते हो 1 मंथ के लिए, वो भी बताऊंगा अगर आप वर्डप्रेस की वेबसाइट शुरू करना चाहते हो। सो अभी आपको सबसे पहले यहाँ पर ऑप्शन दिखाई देखने को मिल जाएगा कस्टम पोस्ट टाइप, आपको पोस्ट का टाइप रखना है पोस्ट ओनली, आप इसी को सिलेक्ट कीजिएगा जो कि स्क्रॉल करना है और आपको यहाँ पर एक्सक्लूसिव एंड प्रोटेक्टेड टर्म्स में आपको जो ये फर्स्ट वाला ऑप्शन है इसे एस ब्लैंक छोड़ देना है और जो आपको यहाँ पर एक्सक्लूसिव कैपिटल, दोस्तों आपको इन चारों ऑप्शनों को टिक करना है, फिल कर देना है। जैसे अभी मैंने यहाँ पर इन्हें टिक कर दिया है, कुछ इस तरह से टिक कर दीजिएगा। नीचे स्क्रॉल कीजिएगा, जो भी वर्ड अगर चेंज हो जाता है, जैसे फाइंड सर्च रैंकिंग होता है तो दोस्तों इसका मतलब ये कन्वर्ट कर देगा फाइंड रैंकिंग, तो दोस्तों ये मेन चेंज हो जाएगा। तो आप जिन वर्ड को रिवर्स नहीं करना चाहते आप उन्हें यहाँ पर टाइप कर दीजिएगा। एक्सक्लूडेड कैटेगरीज, तो आप इसे ब्लैंक छोड़ सकते हो या सिलेक्ट भी कर सकते हो। आपको फिर सेव सेटिंग्स वाले बटन पर क्लिक कर देना है। सो अभी जितनी भी सेटिंग्स थी WP ऑटो स्पिनर की वो फाइनली कम्प्लीट हो चुकी है। आपको इन्हीं स्टेप्स को फॉलो करके जो भी सेटिंग्स है इस वीडियो में बताई गई आप उन्हें कर लीजिएगा। इसके बाद में अभी आपको करना क्या होगा, कंटेंट को किस तरह से यूनिक में कन्वर्ट कर पाओगे, चलिए उस प्रोसेस को जान लेते हैं। सबसे पहले आप उस पोस्ट को ओपन कर लीजिएगा जिसे भी आपको यूनिक करना है। दोस्तों, ये मेरी पोस्ट है जिसे अभी मैं आपको यूनिक करके दिखाने वाला हूँ। आप मान लीजिए कि ये प्लेगरिज्म है, ये कॉपी पेस्ट किया गया है, तो दोस्तों अगर आपने इसी तरह से किया है तो दोस्तों अभी आप इस पोस्ट को किस तरह से कन्वर्ट कर सकते हो और यूनिक कंटेंट में किस तरह से कन्वर्ट कर सकते हो। सो अभी आपको करना क्या होगा, वर्डप्रेस ऑटो स्पिनर वाले बटन पर क्लिक करना है, रीराइट द पोस्ट वाले बटन पर क्लिक करोगे, जो भी
आपकी पोस्ट होगी वो रीराइट हो जाएगी और आपका जो भी एसईओ होगा स्कोर वो दोस्तों रीडेबिलिटी गुड है, हमारा एसईओ ओके है फाइन। अभी आपको इसे पूरे को कॉपी कर लेना है, इसके बाद में जो भी आपका ये कंटेंट हो इसके साथ में आपको डिलीट करके रिप्लेस कर देना है। सो आप जैसे रिप्लेस कर दोगे ऑप्शन देखने को मिल जाएंगे और सो अभी आप यहाँ पर ये भी देख पा रहे होंगे जो हमारी रीडेबिलिटी थी और जो एसईओ था वो जैसा था पहले वैसा ही रहेगा। और किसी प्लगइन्स का यूज़ करते हो तो उसमें रीडेबिलिटी चेंज हो जाती है, एसईओ में चेंज देखने को मिलता है, बट ये प्लगइन बहुत ही प्रीमियम प्लगइन है। तो अभी जो भी हमारा कंटेंट था वो 100% यूनिक हो चुका है। आप भी इस कंटेंट को बहुत ही आसानी से अपनी वेबसाइट पर पब्लिश कर सकते हो, बट इससे पहले क्वेरी के लिए दोस्तों मैं इसे आपको कॉपी करके और पैलेग्रिज्म चेक करवा देता हूँ। इसके लिए मैं यूज करूँगा स्माल एसईओ टूल का पैलेग्रिज्म कंटेंट। एक पैलेग्रिज्म वाले बटन पर क्लिक करते हैं। सो अभी आप फाइनली जो रिजल्ट देख सकते हो, जो भी हमने कंटेंट को कन्वर्ट किया था वो 100% यूनिक है। अभी आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा 100% यूनिक, बिल्कुल भी पैलेग्रिज्म नहीं है, 1% पैलेग्रिज्म नहीं है। अगर आप इस प्लगइन का यूज करते हो तो आपको बिल्कुल भी पैलेग्रिज्म नहीं देखने को मिलेगा और आपका जो भी आर्टिकल होगा वो 100% यूनिक होगा, जिससे आपको एडसेंस का अप्रूवल बहुत ही आसानी से मिल जाएगा। सो चलिए अभी जान लेते हैं कि किस तरह से आप WP ऑटो स्पिनर प्लगइन को किस तरह से डाउनलोड कर पाओगे, साथ में इस प्लगइन के साथ में आपको 100% फ्री वेब होस्टिंग दी जाएगी। सो चलिए अभी आपको करना क्या होगा, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी गई 100% फ्री वेब होस्टिंग लिखा हुआ होगा, उस लिंक पर क्लिक कीजिएगा तो आप इस लिंक पर आ जाओगे। आपको यहाँ पर स्टार्टअप प्लान, प्रो प्लान, बिजनेस प्लान, ये तीनों ही प्लान आपको बिल्कुल फ्री में मिल जाएंगे। होस्टिंग के फ्यूचर्स देख सकते हो। आपको ये फॉर्म को फिलअप कर देना है पूरा स्टेप बाय स्टेप। आपका अपना नेम, ईमेल एड्रेस, फोन नंबर, डोमेन नेम, स्टेट और सिलेक्ट प्लान सिलेक्ट कर लीजिएगा। बिजनेस प्लान चाहते हो, ये सारे कुछ प्लान ही आपको बिल्कुल फ्री मिलेंगे वन मंथ के लिए और उसके बाद में आप रिन्यू कर लीजिएगा। तो अभी आपको यहाँ पर प्रीमियम प्लगइन और थीम्स पर वाले बटन पर क्लिक करोगे तो आपको यहाँ पर सेकंड नंबर पर देखने को मिल जाएगा WP ऑटो स्पिनर। अभी आपको इसे सिलेक्ट कर देना है और ब्रीफली आप टाइप कर दीजिएगा कि आपको ये किस लिए चाहिए, नीड थोड़ा बहुत टाइप कर दीजिएगा। इसके बाद में सबमिट फॉर्म कर दीजिएगा। विद इन 24 आवर्स में इस फॉर्म का आपको रिप्लाई मिल जाएगा जो भी आपने यहाँ पर ईमेल को एंटर किया होगा। आई होप आपको दोस्तों हमारे ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर दोस्तों वीडियो पसंद आए लाइक जरूर से कर दीजिएगा और दोस्तों वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर लिख के बताएं। अभी तक हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब करें, साथ में बेल नोटिफिकेशन को प्रेस करें जिससे आपको आगे आने वाले हर लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। और दोस्तों अपने दोस्तों में भी इस वीडियो को शेयर करना ना भूलें।